सीकर में ई दिशा केंद्र के तहसीलदार जगदीश चंद ने बताया है कि औचक निरीक्षण जांच आए ई दिशा केंद्र के कागजात जांच में पाया गया। ई दिशा केंद्र के संचालक पब्लिक को सही ढंग से दे रहे सुविधाएं को जब तहसीलदार नेगुला ने बताया है कि ई दिशा केंद्र के लोग को बहुत ही सही ढंग से सुविधाएं दे रहे। 2016 में हरियाणा में ये सेवाएं हमारे 30वें नंबर पर आई हैं, जो कि हमने तहसीलदार से पूछा गांव में अटक सेवा केंद्र खुले हैं जो लोगों को ज़्यादा फीस दे रहे हैं। तहसीलदार ने कहा है कि अगर इसकी कोई शिकायत हमारे पास आती है तो कार्रवाई करेंगे। ई दिशा केंद्र के गुरदीप सिंह चापा ने बात की तो गुरदीप सिंह ने बताया है कि हमारे ई दिशा केंद्र के निरीक्षण करने के तहसीलदार जगदीश चंद्र गुला हमारे ई दिशा केंद्र पर आए। ई दिशा केंद्र के सभी कागजात चेक किए जिसमें सब कुछ ठीक पाया गया है। आप देख सकते हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए गुला सिका से हुकम सिंह की रिपोर्ट। पीछे भी जैसे इनको फर्स्ट नंबर आए थे हमारे पूरे जिले के अंदर और हरियाणा के अंदर इनकी तीसरी पोजीशन आई थी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, पूरा लोगों को मतलब अच्छी सुविधाएँ दे रहे हैं। तो सर अच्छा किया, बहुत अच्छे तरह से इन्होंने कागजात लिए हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कुछ इनको डायरेक्शन दिया, आगे उनको ये फॉलो भी करें। सर जब कोई हमारे पास आएगा तो उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। ऐसी बात जी, ये ई दिशा सेवा केंद्र हैं जो सरकार द्वारा खोले गए थे पब्लिक को सेवाएं देने के लिए। आज हमारे सेंटर को पूरे 2 साल हो चुके हैं, तो 2 साल पूरे होने की खुशी में आज तहसीलदार साहब गुला आज आए थे। उन्होंने सेंटर के कागजात चेक किए हैं, सब ठीक मिला है। हम पब्लिक को अच्छी सेवाएं दे रहे हैं और बढ़िया सेवाएं सभी समय पर दे रहे हैं।